प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, नामांकन हो चुका है और फिलहाल जो अंदर की हलचल नजर आ रही है वो इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि मुमकिन है अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री जो है आपको गेट से बाहर निकलते हुए नजर आए और यहाँ पर जो थोड़े बहुत ही कार्यकर्ता है उनका अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि जैसे कलेक्ट्रेट के बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो है सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, काशी के नागरिक भी है और वो जो है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस चीज का जिक्र अभी कुछ देर पहले आप लोग कर रहे थे, नीरज भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन देखिए जब आप बनारस में आते हैं तो आपको वो अंतर पिछले 10 सालों का जो अंतर है साफ नजर आता है। 2014 में जब यहां पर आया था तो जब यहां पर प्रधानमंत्री नामांकन करने पहुंचे थे तो सकरी सड़कें थी, जगह जगह जाम लगता था और वो लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी एक बार बनारस की जनता को सुन लेते हैं। स्नेहलता बात कीजिए जरा। चैनल 2 पे पता नहीं क्या दिक्कत है, चैनल 1 पे है। शीरीन देखिए ये 43 डिग्री 42 डिग्री से तो कम नहीं होगा, लेकिन ये पूर्वांचल की ठेठ बनारसी लोग हैं कि ये देखिए बाबा क्या उम्र हुई बाबा, घाम नहीं गर्मी नहीं, मोदी के लिए घाम और धूप क्या करेगा, एकदम पास है एकदम। क्या कह रहे हैं भाई, मोदी जी के लिए कितना भी धूप हो हम लोग जो है मोदी जी के स्वागत में लगे हुए हैं। बाबा कहाँ गए, क्या मिला है तुमको, मोदी मिले हैं है? और जो मोदी जी ने हमें छा दिया है वो ये धूप कोई असर नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है उसे हमें हम लोगों को पूरा करना है। और वो देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से नारा लगा रहे हैं, थोड़ा सी हलचल लोगों नहीं रही है कि लोगों को लग रहा है मोदी जी आ गए। भैया गर्मी वर्मी सब फेल है, सब फेल है, सब फेल है। क्या होगा अब की बार 400 पार होगा, अब की बार 400 पार विकास के बल पे होगा, जो विकास बनारस में देखा गया है सड़कें लगा लगा देख सकते हैं। देर तक 43 डिग्री में खड़ा रह सकते हैं, जब तक वो नामांकन करके आ जाएंगे उनसे मिल लेंगे हम लोग, फिर हम लोग जब कुछ भी नहीं होगा उनसे। मैं गाजीपुर जिले से करंडा क्षेत्र, जब तक वोटिंग नहीं हो जाए, गाजीपुर जिले करंडा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे गाजीपुर जिले में न मेडिकल कॉलेज है न स्टेडियम सीट है, जो आप लोगों का सांसद नहीं है बीजेपी, हजार अंसारी हुए लेकिन इस बार उनका हारना तय है, इसलिए मैं आपसे और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार प्रॉमिस करने गाजीपुर से यहाँ प्रॉमिस करे नहीं, उनको अपने बातों से कहना चाहता हूं कि इस बार सीट उनको दी जाएगी। पारस बात से बात हुई कि वोट से बात हुई, क्या हुई वोट से, वोट से क्या हो रहा है अधिवक्ता जी, जी क्या हो रहा है, वोटिंग का है, मोदी जी आए नामांकन करने उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं, काम धाम सब छोड़ के लग रहा है एकदम पूरी बनारस ऐसे ही है। हाँ एकदम ऐसे ही है, अरे अभी देश को दो चीज और करना है, क्या करना है, पीओके खत्म करना है, संविधान संशोधन, बहुत पीओके मांग रहे हैं, संशोधन खत्म, संविधान संशोधन करना है, क्या होता मोदी 407 सात कहाँ से लाए हैं, 400 पार बोलना था, खुशी के मारे 7 एक्स्ट्रा सीट देना चाहता है, पूरा भारत खुश है मोदी जी से। अच्छा हाँ, आप कहाँ जा रहे थे अखबार लेके, जा रहे हैं इलाहाबाद लेकिन रुक गए मोदी जी के चक्कर में, चक्कर में हाँ देखने के चक्कर में दिखाई दिए, नहीं भाई कहाँ आए हो, हेडफोन वाले भैया क्या है ये तो मोदी जी के चक्कर में इलाहाबाद जाना था, बनारस रुक गए, हमारे पापा भी जा रहे थे, आप भी जा रहे थे, दीदी आए मोदी जी से कुछ अपना बात कर रहे हैं, मेरे औरत को एक आदमी ने बहुत मारा, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे ही पर केस लग गया, मेरी लड़की पर, मेरे बीबी तो आपको लगता है यहाँ से सुनवाई हो सकती है, नहीं मैं उनके तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, बात पहुँचाना चाहते हैं, बात क्यों नहीं रखा जाता है, अमीरों का रखा जाता है, अमीरों की बात रखी, भैया अमीरों की बात रखी जाएगी तो कैसे बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल नहीं रखी जाएगी, जो सही रहेगा उसका रखा जाएगा, कौन सही है भैया, कौन सही है, हेलो भैया फोन पे लगे हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है, और देखिए हनुमान जी तो बहुत देर से लगे हुए हैं, जय सियाराम जय सियाराम, अब की बार 440 पार, भैया ये 40 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 40 से नहीं आएगा, लेकिन आज सांसद बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत सांसद बनारस के बहुत काम किए हैं, और आगे क्या होगा देखा जाएगा, आंटी छाता वाता लेके खड़ी है, धूप लग रही है, आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी सांसद बनारस के हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हाँ यही बात कहता है गुरु, गुरु यही बात कहता है, बनारस की जनता जो एकदम, क्या कह रहे हैं गुरु, धर्म से लेकर के धरातल की बात करते हैं मोदी जी, इसीलिए जो है बनारस उनको आशीर्वाद बार बार देगा, तो गुरु कहा जाता है यहाँ, तो अब तो गोदी मोदी जी को गोद ले लिया, अब तो हम लोग हाई हमारे हो गए, अब इमोशन उससे जुड़ गया है, तो 400 पार क्या उससे भी ज्यादा हम लोग सीट लेकर के आए, इमोशन से
विपक्ष को टेंशन होगी? टेंशन एकदम, जो विपक्ष है उनकी जमानत जब्त हो रही है। कल का इनका रोड शो और आज का नामांकन, क्योंकि कोई भी आया नहीं। आप देखिए विपक्ष के जो नामांकन हुआ उसमें न तो अखिलेश जी दिखाई दिए, न तो प्रियंका जी दिखाई दी, कोई नहीं दिखाई दिया। अकेले जो है दिख रहा है, यहाँ कौन दिख रहा है? सिर्फ मोदी में है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, एक विधान सिर्फ मोदी जी के विजन में है, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।